फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कराची हलवा यानी बॉम्बे हलवा। उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने एक प्याली यानी एक कटोरा भर के मैंने कॉर्नफ्लोर का आटा लिया यानी कॉर्नफ्लोर कॉर्नस्टार्च ली हूँ, और ये मैंने घी ली हूँ। घी मैंने कम से कम आधा यानी आधी प्याली ली हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हो तो ज़्यादा ले सकते हो। ये मैं आधा किलो क्वान्टिटी के हिसाब से बना रही हूँ। और ये मैं बना और ये इसमें चाहिए शक्कर। शक्कर मैंने एक कटोरी ली हूँ यानी एक प्याला शक्कर ली हूँ। और ये मैं नींबू ली हूँ चाशनी बनाने के लिए। और ये थोड़ा सा आधा चम्मच और ये इलायची पाउडर है। और ये ड्राई फ्रूट है जो हमने बारीक कट किए हैं जो हमें ऊपर गार्निशिंग के लिए लगेंगे। ये ऑरेंज कलर का रेड फूड कलर है जो हमें इसमें मिक्स करने के लिए लगेगा। और ये एक कप पानी। ये सबसे पहले हमें सिर्फ ये चाशनी बनाने के लिए हम अभी रेडी करने जा रहे हैं। और चाशनी किस तरह से रेडी करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए गाइस, जो मैंने ये कप का मेजरमेंट हमेशा बराबर ही रखना है। ये हलवा बनाने के लिए आपको हर चीज़ का मेजरमेंट ज़रूरी है। जिस तरह भी मैंने ये एक कप पानी डाली हूँ, एक कप पानी के लिए हमने ये जो पूरा एक प्याला भर के जो हमने शक्कर लिए है आपको भी इसी तरीके से ही लेना है, तभी हमारा जो कराची हलवे में जो लच्चा को जो रबड़ जैसा जो होता है ना वो तभी हमारे में इन हलवे में जब ही आता है। उसको हम अच्छे से रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट, जब तक हमारा ये शक्कर पूरी तरह से पिघल ना जाए। इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे, ज़्यादा फास्ट आंच पे नहीं बनाना है, नहीं तो हमारा जो शक्कर कड़वा हो जाएगा। और हाँ, ये मैं नींबू ऐड कर दे रही हूँ अभी से ही, ताकि जो इसके अंदर जो शाइनिंग पना आ जाए और जो हमारा जो हम बना रहे कराची हलवा उसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाए और उसके अंदर थोड़ा सा रबड़ पना भी आ जाए। अब इसको हम थोड़ा सा थोड़ी सी धीमी आंच से थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि हमारा ये शक्कर गल जाए। फिर उसके आगे का मेथड मैं आपको आगे बताती हूँ। गाइस, हमारी चाशनी देखिए कितनी अच्छी क्रिस्टलाइज हो गई है। और लेमन डालना ज़रूरी है, बिना लेमन के आपका जो चाशनी है ये कराची हलवे की अच्छे से बनेगी नहीं। ये हमारा हो गया है। अब मैं आपको आगे का मेथड बता रही हूँ। ये जो हमने कॉर्नफ्लोर लिए थे, कॉर्नफ्लोर को एक साथ ऐसा नहीं डालना है। इसको पहला हम दूसरे बॉल में लेंगे, फिर यहाँ हम बराबर मेजरमेंट के हिसाब से ही पानी लेंगे। ये मैंने 3 कप पानी ले रही हूँ, आप भी 3 कप पानी लीजिएगा। पहले इसको घोल लेंगे हम। देखिए इसको अच्छे से घोल लीजिए पूरी तरह से। देखिए हमने घोल लिए। अभी मैंने सिर्फ 1 कप पानी डाली थी, अब मैं एक और पानी डाल रही हूँ यानी 2 कप और पानी। उसको ज़्यादा पतला मत रखिएगा नहीं तो फिर आपका जो हलवा ख़राब हो जाएगा। 1 कप हो गया, ये 2 कप मैंने भर के ले ली हूँ इसके अंदर। देखिए ये हो गया एक। अब इसको वापस से मिला देंगे ताकि हमारा जो इसके अंदर गुलटी ना बने, नहीं तो हमारा जो है हलवा सही से बनेगा नहीं। ये हो गया, और अब 1 कप और हमने डाल दिए। अब हम इसको डायरेक्टली हम जो हमारी जो चाशनी है उसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। और हाँ, प्लीज़ धीरे रखिएगा चाशनी का फ्लेम, और डाल के फौरन हिलाते रहना है। नहीं लाएंगे तो ये जो हमारा है अंदर गुलटी बन जाएगा। इसको हिलाते रहना है। और ये जो मैंने घी जो ली हूँ, घी हमें अभी नहीं डालना है जब तक ये हमारा अच्छा पूरा गाढ़ा ना हो जाए। और इसको 4 हिस्से में हमें घी डालना है पूरा। पहले 1 चम्मच डालना है, फिर बाद में थोड़ा सा जब थोड़ा सा और क्रिस्टलाइज होने लगे तब 1 चम्मच डालना है, फिर बाद में 1 और चम्मच डालना है, फिर लास्ट में जब अच्छे से पूरा घी हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जब यानी कढ़ाई से घी निकलने लगेगा तब 1 और चम्मच हमें घी डाल के अच्छे से इसको यानी स्टर करना है, यानी अच्छे से पूरा मिलाना है ताकि जब तक ये क्रिस्टलाइज ना हो जाए। और इसको धीमी आँच में ही बनाना है, फास्ट आँच में नहीं बनाना है। फास्ट आँच में बनाओगे तो ये आपका जो हलवा है ख़राब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो हमने घोल डाले थे कॉर्नफ्लोर का, ये माशाल्लाह से देखिए गाढ़ा हो गया है। अब जैसे जैसे ये गाढ़ा होते रहेगा हम हर 5-5 मिनट में 1-1 चम्मच इसके अंदर घी डालते रहेंगे। देखिए घी डाल के उसको हिलाते रहेंगे, फिर 5 मिनट के बाद वापस से 1 चम्मच घी डालेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्टलाइज हो जाए। देखिए, और हाँ, इसको हिलाते ही रहना है, छोड़िएगा नहीं, नहीं तो ये पूरा हार्ड हो जाएगा। जब तक ये पूरा कढ़ाई जब तक हमारा घी ना छोड़ दे जब तक हमें इसको पकाते रहना है। देखिए गाइस, ये हमारा पूरा क्रिस्टलाइज हो गया है।
जिस तरह से हमें चाहिए था। अब इसी स्टेज पे हमें कलर मिक्स करना है और उसको अच्छे से पकाना है तकरीबन, ताकि ये इसके अंदर जो है और थोड़ा वो लचक आ जाए, यानी रबर जैसा जो हम खींचते हैं कराची हलवा खाते हैं सेम उसी तरह से लचक आना चाहिए। और इसको फिर से हमें हिलाना है अच्छे से, और इसको अच्छे से हिलाइएगा नहीं तो ये जलने लगेगा, नीचे जल जाएगा तो टेस्ट ख़राब होगा आपका। ये देखिए वो अच्छी तरीके से मेल्ट करना है, पूरा अच्छी तरीके से मिलाना है। अच्छी तरीके से मिला के उसको और तकरीबन 15 मिनट अच्छे से पकाना है, ताकि इसके जब तक इसके अंदर रबड़ पाना ना आए, यानी रबड़ की जैसे लचक ना आए इसके अंदर। वो मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह से हमें इसका फाइनल स्टेज चाहिए। देखिए गाइस, ये हमारा बन के देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरीके से हो गया है, पूरा क्रिस्टलाइज हो गया है जिस तरह से हमें चाहिए था। और जितना हमने घी डाले थे वो सब पूरा घी अच्छे से छोड़ गया है। और इसका सबसे अच्छी पहचान ये है कि इसके अंदर लचक आना चाहिए, जैसे इसमें लचक आई, देखिए किस तरह से लचक आए। अब उसको जितनी देर ज़्यादा पकाएंगे उतना इसके अंदर रबड़पन आएगा। ये अभी गर्म है तो मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैंने जस्ट अभी निकाली हूँ, देखिए इसके अंदर लचक। इसको और थोड़ी देर रखेंगे हम, इसको पूरा टोटल बनने में आपको 45 मिनट जाता है। देखिए कितने अच्छे से, देखिए इसी तरह से बनाना है आपको पूरी तरीके से। ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको, अब इसमें हम जो है हमारा इलायची पाउडर जो था वो हम इसके अंदर मिला देंगे। पहले नहीं मिलाना है, नहीं तो बाद पहले मिलाएंगे तो पूरा इलायची पाउडर जल जाएगा और जो हमें अच्छा टेस्ट चाहिए वो नहीं आएगा। अब हम इसको एक अच्छे से डिश में निकालेंगे ताकि उसमें जमाएं हम उसको, जमाने के लिए हम उसको रख देंगे तकरीबन आधा एक घंटा, ताकि ये अच्छे से पूरा जम जाए जिस तरह से हमें चाहिए पूरा। उसको अच्छे से पूरा मिला लेना है क्योंकि हमने अभी इलायची पाउडर डाले थे, उसको अच्छे से मिला कर हम इसको अभी आपको कैसे उसको सजाना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको एक अच्छे से डिश में निकाल देंगे और उसको हम गार्निश कर देंगे। गार्निश करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं ये पूरा कढ़ाई जिस तरह से है उसी तरह से लेके मैं इसके अंदर ये हमारा जो उसी वक्त निकाल के सिमे डाल देना है, फौरन ठंडा नहीं करना है, ठंडा करेंगे तो पूरा उसी वक्त कढ़ाई में ही जम जाएगा। उसको गर्मा गर्म ही हमें अच्छे से पूरा निकाल के गार्निश करना है। ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम उसको अच्छे से फैला देंगे। ये बहुत स्टिकी होता है, आप लोग भी संभालिएगा। हमारा ये कराची हलवा बनके रेडी हो गया। सेम इसी मेथड से आप भी अपने घर पे बनाइएगा। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरीके से बन गया है। देखिए पूरा पीस भी रेडी है, पूरा ट्रांसपेरेंट है ये। आप भी अपने घर पे बनाइए, जो भी कलर में चाहे आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। लेकिन हाँ, इसको बनाने में टोटल 45 मिनट्स लगता है। आप भी अपने घर में बनाइए, आपको जैसा चाहिए। ज़्यादा अगर आपको सख्त चाहिए तो थोड़ा आपको थोड़ा और टाइम भी बनाना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। मुझे यही लगा, मुझे इतना ज़्यादा सख्त नहीं चाहिए था इसलिए मैंने थोड़ा सा ही सख्त बनाई हूँ। आप भी अपने घर पे बनाइए। माशाल्लाह आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़।